Hello everyone, very very good morning to all of you. I welcome you all on your own platform PW. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके खुद के platform PW पे. Good morning, good morning, good morning, very very good morning to all of you. Good morning, बहुत बहुत सारा good good वाला morning है ना. आप लोग लिख के भेजते हो good good वाला morning, तो आपको भी good good वाला morning. Very good morning, good morning. अच्छा, आज हम लोग भी करेंगे जैसे कि प्रीवियस ईयर सेट नंबर 22. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 22 स्टार्ट करने से पहले, कल तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई भी ऐसा पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कोई भी ऐसा पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो फटाफट. यस, सुप्रभात, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. यस, यहां तक सब कुछ क्लियर है. जितना भी हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था वहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई भी ऐसा पॉइंट जो क्लियर ना हो तो आप मुझे बताइए. सब कुछ क्लियर है, वेरी वेरी गुड, वेरी ग्रेट. आज भी हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 22 स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बात है. वो बात ये है कि आज रात 9 बजे टेलीग्राम पे SSC की चौपाल लगेगी, जिसमें मैं आपके साथ होंगी लाइव और आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी आपकी बात होंगी, जो भी आपके मन में बात होगी, एग्जाम ओरिएंटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, ये सारी डिस्कशन करेंगे आज रात 9 बजे लाइव. ठीक है, अभी तो हम लोग मिलते हैं, क्लास में आते हैं, क्लास में कंटेंट की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, और आप भी जाते हो, मैं भी जाती हूं, लेकिन अब हम आज रात 9 बजे मिलने वाले हैं टेलीग्राम पे, SSC वाला टेलीग्राम चैनल पे. तो बिल्कुल जो ना मत भूलिएगा, और आपके जितने भी क्वेरीज होंगे वो सारे रिजॉल्व किए जाएंगे. यस, तो अगर बात किया जाए तो ये आज शाम को SSC की चौपाल लगने वाली है और इस चौपाल में आप लोग जरूर आना. ठीक है, पढ़ाई में, हाँ पढ़ाई नहीं करेंगे इसमें, इसमें आपकी पढ़ाई में आने वाली दिक्कतों के बारे में बात की जाएगी. ठीक है, ओके. तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन से लिए. सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेमिक स्पीशीज. निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है. ये क्वेश्चन SSC सीजिल 2013 का है. निकोबार पिजन, हॉर्नबिल, इंडियन राइनो या फिर पिंक हेड डक, इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशी है जो कि एंडेमिक है. Yes, कौन सी ऐसी स्थानिक प्रजाति है. इन चारों में से आपको सही ऑप्शन देना है. SSC सीजिल 2013 का क्वेश्चन है. निकोबार पिजन, हॉर्नबिल, इंडियन राइनो या पिंक हेड डक. यस, एवरीबॉडी रिप्लाई क्विकली क्विकली, फटाफट रिप्लाई करिए जल्दी जल्दी. टाइम ओवर हो चुका है, बिल्कुल सही बात है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. निकोबार पिजन इज एन एंडेमिक स्पीशी. 20% बच्चे ये बात कह रहे हैं. लीडर बोर्ड पे प्रशांत, ऐश्वर्य, रूबी एंड कुशल. पहली बात. दूसरी बात, अगर बात किया जाए तो एंडेमिक कौन होता है. एंडेमिक एक ऐसी स्पीशीज होती है, एंडेमिक एक ऐसी स्पीशीज होती है जो कि आपकी एक वर्ल्ड के विश्व के एक ज्योग्राफिकल रीजन में मिलती है. विश्व के एक ज्योग्राफिकल रीजन में, एक आपके एक क्षेत्र में पाई जाती हैं. ये ऐसी स्पीशीज होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के जो कि आपके वर्ल्ड के किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में या ज्योग्राफिकल क्षेत्र में पाई जाती हैं. और जैसे आप लोग ने सुना होगा एक एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, एक एंडमिक होती है, एक आपके एक वर्चुअली क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती है. ये सारे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है या वल्नरेबल स्पीशीज है, इनका सारा डेटा रेड बुक में होता है और रेड बुक इश्यू करता है, पब्लिश करता है IUCN, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ये देखिए, ये आपके सिंबल्स होते हैं कि कौन सी. ब्लैक में जो होती है वो कोलैप्स्ड है, रेड में जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना, येलो में एंडेंजर्ड है, लाइट येलो में वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेड मतलब अभी खत्म नहीं हुई है पर वो खतरे की कगार पे हैं, है ना. जो आपकी लीस्ट कंसर्न, जिन पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, डार्क ग्रीन है.
डेटा इनसफिशियंट, जिनका आपका डीडी का मतलब है कि उस स्पीशी का, उस प्रजाति का हमारे पास सही तरीके से डेटा ही नहीं है। तो ये आपका जितना भी डेटा होता है ये सारा रेड बुक में होता है, और रेड बुक पब्लिश करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इज इट क्लियर? ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑन द स्क्रीन। द नेचुरल डिजास्टर इन विच कार्बन डाइऑक्साइड सडनली इरप्ट्स फ्रॉम अ डीप लेक वाटर इज नोन एज, ऐसी प्राकृतिक आपदा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अचानक से एक गहरी झील के पानी से निकलती है, इसे क्या कहा जाता है? लिमिनिक, लॉकास्ट्राइन, फ्लूवियल नदी या फिर गेशियल हिमनदी, इसे क्या कहते हैं जब नदी से अचानक से कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर निकलती है? ये क्वेश्चन SSC CGL 2013 का है। SSC CGL 2013 का ये क्वेश्चन है कि इसको स्थिति को हम क्या कहते हैं जब लेक से अचानक से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्विकली ओके, द टाइम इज ओवर नाउ। अगर बात करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका लिमिनिक, जो कि 13% बच्चे कह रहे हैं। समृद्धि, जाहिद, तनु एंड विवेक, ये रहे आपके लीडर्स। लिमिनिक कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो आपकी लेक होती है ना, जो आपकी एक झील होती है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लग जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और ये एक गैस का क्लाउड बना लेती है, एक गैस का बादल बना लेती है, और उस एरिया में जितने भी लोग रह रहे होते हैं, जितने भी ह्यूमंस रह रहे होते हैं, जितने भी मनुष्य रह रहे होते हैं या एनिमल्स रह रहे होते हैं, उनके लिए, पशु पक्षियों के लिए और मनुष्यों के लिए, एक सफोकेशन क्रिएट कर देती है। ठीक है, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक सफोकेशन क्रिएट कर देता है। अब आप कहोगे कि मैम सफोकेशन कैसे होता है? देखो ब्लड में क्या होता है, आप लोग जानते हो ना, ब्लड में एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन, है ना, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। अब जब इस हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है तो ये बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि एक सफोकेशन वाली स्थिति पैदा कर देता है, है ना। अगर ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन, तो हमें एक फ्रेश एयर का रूप में उदाहरण होता है कि हम ब्रीथ कर पा रहे हैं। लेकिन जब हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स इनहेल हम करते हैं तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जो कि एक तरीके से सफोकेशन, घुटन जैसी फीलिंग कराता है। क्या मेरी बात समझ आई यहां तक? क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑन द स्क्रीन। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, विलियम हार्वे, लैंस्टीना या पावलोव? ब्लड ग्रुप की स्थापना किस खोज किसके द्वारा हुई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लैंस्टीना या पावलोव? क्विकली रिप्लाई, फटाफट बताइए। बी ऑप्शन विलियम हार्वे, सब लोग कह रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूं ये ऑप्शन गलत है। एक बच्चे ने स्टार्टिंग में बी कह दिया था तो सब उसके पीछे लग गए हो, बी ऑप्शन गलत है। अब चेंज करो ऑप्शन, यस अब चेंज करो, हाँ अब कोई एक बोलो, सब उसी के पीछे लग जाना। देखो मैंने आपसे कितनी बार बोला है, भगवान ने आपको भेजा है और भेजे में भेजा भी भेजा है, इसीलिए अपने भेजे का प्रयोग करें, भाईचारे में मत चलिए, क्योंकि एक बच्चा ऑप्शन देता है सब उसी के पीछे लग जाते हो, सबका आंसर गलत हो जाता है। अगर बात करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका सी, लैंस्टीना, वेरी गुड। 52% बच्चे कह रहे हैं, 52% में लीडर देख लीजिए, नासिरुल, डॉली, किट कैट, रीना रानी एंड दलाल। ओके, ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स। जो लैंस्टीना थे ये आपके एक ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी, है ना, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी लैंस्टीना के द्वारा हुई है। क्या मेरी बात याद रख समझ में आई?
और ये रही उनकी इमेज। कभी कभी क्वेश्चन में इमेज दी जाती है और इमेज से प्रेडिक्ट करना पड़ता है, और इमेज लगाने का उद्देश्य ऐसा होता है कि बहुत बार अगर क्वेश्चन आता है और अगर आपको ऑप्शन नहीं याद आ रहा हो तो इमेज अगर दिमाग में होती है तो इमेज से भी आंसर निकल आते हैं। यस, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज अ, ब्लड क्या होता है जल्दी बताइए। एक रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक एपिथेलियल टिश्यू है, या फिर एक मस्कुलर टिश्यू है। ब्लड इनमें से कौन सा टिश्यू है, फटाफट बताइए जल्दी जल्दी। ब्लड क्या है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एक मस्कुलर टिश्यू है, या फिर एपिथेलियल टिश्यू है। किस तरीके का यह टिश्यू है आपका ब्लड? रिप्लाई क्विकली क्विकली एवरीबॉडी, फटाफट। और प्लीज कोशिश करिएगा आप लोग अपनी तरफ से आंसर दीजिए। ओके, द टाइम इज अबाउट टू गेट ओवर एंड इट्स ओवर नाउ। बिल्कुल सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टिव टिश्यू। वेरी गुड, 95% कह रहे हैं, वेरी गुड परसेंटेज, इट्स अप्रिशिएबल। अगर हम लीडर बोर्ड पे चलेंगे, अनुज, निशा, सपना, डॉली एंड मुबाशिरा, ओके, ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स, ठीक है, ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है? तो अगर बात करेंगे ब्लड क्या है, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड अगर देखो कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, इसमें देखिए एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, और एक देखो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। साथ ही साथ में ये किन चीज में फ्री होता है, एक इम्यून सेल्स में फ्री होता है, और ये एक इंफ्लेमेटरी सेल्स में भी फ्री होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा सेट होता है टिश्यूज का, ये एक ऐसा सेट ऑफ टिश्यूज है जो कि सपोर्ट करता है, क्या सपोर्ट करता है, ऑर्गन्स को और उनके शेप को। मतलब ये ऑर्गन्स को, इंटीग्रल ऑर्गन्स को भी ये क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को, जो आंतरिक अंग है, जितने भी आंतरिक अंग हैं उनको ये सपोर्ट करता है, आंतरिक अंग को ये सपोर्ट करता है, ये सहारा देता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस, ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डीपीटी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट डिजीज लाइक, डीटीपीटी का बीमारियों को रोकने के लिए क्या इनमें से प्रकाशित किया जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2013 का है। डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टाइफॉइड, डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस, डेंगू, पर्टुसिस एंड टाइफॉइड, या डेंगू, पोलियो एंड टिटनेस। आपको सही ऑप्शन बताना है कि डीपीटी वैक्सीन किन चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो डीपीटी वैक्सीन होती है वो इनमें से कौन सी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, जल्दी से बताइए कौन सी डिजीज में प्रयोग करने के लिए उसको यूज किया जाता है, डिजीज को हटाने के लिए। यस, टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, टाइम इज अबाउट टू ओवर एंड इट्स ओवर नाउ। बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 55% कह रहे हैं, दैट इज डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस। नंबर वन पे है रौनक, सुकृति, माधुरी, रूबी एंड ऐसा, और ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स। ओके, पहली बात, आपकी जो टिटनेस होती है, टिटनेस का तो आप लोग नाम सुने होंगे, टिटनेस ये आपकी एक टिटनेस बैक्टीरियम से होता है, टिटनेस बैक्टीरियम से होता है, और ये एक सीरियस डिजीज होती है, मतलब एक तरीके की डिजीज होती है, वो भी आपकी नर्वस सिस्टम में। इसमें क्या होता है, जो जॉ होता है ना, जबड़ा, ये सबसे पहले टाइट होने लगता है, डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब कभी भी लोहे से या किसी लोहे से, जंग से, या जंग वाले लोहे से, या लोहे से चोट लगती है, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो, है ना। तो टिटनेस आपके टिटनेस बैक्टीरियम से डिजीज क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज दैट हैज बीन इराडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो दुनिया से पूरी तरीके से खत्म हो गई है। ये एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। स्मॉल पॉक्स, चेचक, लेप्रसी, पोलियोमाइलिसिस, पोलियो, या फिर चिकन पॉक्स, ऐसी इनमें से कौन सी बीमारी है जो पूरी तरीके से विश्व से खत्म हो चुकी है। ये स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, लेप्रसी या पोलियोमाइलिसिस,
क्विकली क्विकली बताइए, इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो पूरी तरीके से विश्व से खत्म हो चुकी है? टाइम ओवर हो चुका है, बिल्कुल सही बात है, दैट इज ए स्मॉल पॉक्स। 31% बच्चे अप्रोक्सीमेटली कह रहे गुड। ताजबाब, जाहिद, बिस्वाक्सेन, मलिका एंड किटकैट, ये रहे आपके टॉप लीडर्स। अगर बात करेंगे जो आपका स्मॉल पॉक्स होता है, ये आपका वैरियोला वायरस से होता है। वैरियोला वायरस से आपकी एक बीमारी हुआ करती थी जिसका नाम हुआ करता था चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हुआ करता था। अब ये पूरी तरीके से वर्ल्ड से खत्म हो चुकी है। जो लास्ट केस देखा गया था वो लास्ट केस आपका अक्टूबर में देखा गया था, वो भी 1977 में, अक्टूबर में 1977 में, 1977 में आखिरी मामला देखा गया था स्मॉल पॉक्स का। क्या मेरी बात समझ में आई? तो स्मॉल पॉक्स अब पूरी तरीके से विश्व से खत्म हो चुकी है और लास्ट केस जो दर्ज किया गया था वो अक्टूबर 1977 था। क्लियर है? कौन से वायरस से होती है? वैरियोला वायरस से होती है। नेक्स्ट, इंडाइकॉट सीड द पोलन ग्रेन पोजेसेस, जो डायकॉट सीड होती है उसमें कितने तरीके के पोलन ग्रेन्स होते हैं फटाफट बताइएगा। 1 germ पोर होता है, 2 germs होते हैं, 3 germs होते हैं, 3 होते हैं रोगाणु, या फिर 4 germs होते हैं, 4 रोगाणु होते हैं। जो डायकॉट सीड्स होते हैं उसमें कितने पोलन जर्म्स होते हैं? यस, जल्दी से बताइए कितने पोलन जर्म्स होते हैं। जो डायकॉट सीड्स होते हैं उसमें कितने पोलन जर्म्स होते हैं? ओके, तो टाइम ओवर होने वाला है और टाइम ओवर हो चुका है। जो डायकॉट सीड्स होते हैं उसमें हमेशा 3 germ pores होते हैं। कितने होते हैं? 3 germ pores होते हैं। और 28% बच्चे कह रहे हैं डॉली, वंशिका, टाजर बॉब, ऐश्वर्य एंड लोकी रिवेंज, ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स। देखो अगर हम बात करेंगे जो डायकॉट सीड्स होती हैं, इसमें आपकी 3 layers कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है आपकी एक्टोडर्म, ठीक है, एक होती है आपकी एक्टोडर्म, एक होती है आपकी मीजोडर्म और एक होती है आपकी एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म होती है ये ऐसी लेयर होती है जो कि आपकी सबसे आउटसाइड, जो सबसे बाहरी वाली परत होती है, सबसे जो बाहरी परत होती है, जो सबसे आउटसाइड लेयर होती है, उसको हम लोग एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं। मीजोडर्म वो होती है जो मिडिल लेयर होती है, जो बीच की परत होती है, उसे हम मीजोडर्म के नाम से जानते हैं। और एंडोडर्म वो होती है जो सबसे अंदर होती है, इनसाइड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। यह आपकी एक एग्जाम्पल भी दिया है, पूरा एक तरीके से डायग्राम भी है। एक्टोडर्म आपका जो कि एकदम आउटर लेयर है, बीच में आपका मीजो और एंड में एकदम एंडोडर्म है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फैराड इज द यूनिट ऑफ, फैराड किसकी इकाई है? कंडक्टेंस की है, कैपेसिटेंस की है, इंडक्टेंस की है या फिर रेजिस्टेंस की है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2013 का है। फैराड किसकी यूनिट होती है? कंडक्टेंस की, कैपेसिटेंस की, इंडक्टेंस की या फिर रेजिस्टेंस की होती है? जल्दी से बताइए फटाफट। यस, ये किसकी यूनिट होती है? कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस या फिर रेजिस्टेंस? ओके, सो द टाइम इज अबाउट टू गेट ओवर एंड इट्स ओवर नाउ। अगर बात करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 71% कह रहे वेरी गुड, इट्स अप्रिशिएबल, गुड परसेंटेज। कैपेसिटेंस की होती है तनु, लोकी, रश्मि, रौनक एंड डॉली, और ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स। ठीक है, ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स। ओके, नाउ अगर बात किया जाए तो कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है?
जब बॉडी के पास पावर होता है, बॉडी हैज द पावर टू स्टोर चार्ज, जब बॉडी के पास पावर होता है चार्ज को स्टोर करने का, है ना, जब बॉडी के पास पावर होता है टू स्टोर चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज, स्टील रबर की तुलना में अधिक आपका बहुत ही ज्यादा इलास्टिक मतलब लचीला होता है, स्टील बहुत ज्यादा आपका एक तरीके से लचीला होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए है, क्योंकि वो हार्डर होता है रबर से, या उसमें डिफॉर्मिटी फोर्स ज्यादा होती है, या वो कभी भी डिफॉर्म मतलब कभी भी उसको नहीं उसका आकार बदला नहीं जा सकता, या बहुत इजीली उसका आकार बदला जा सकता है। इनमें से आपको सही आंसर बताना है किस वजह से स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है रबर से। यस, स्टील ज्यादा इलास्टिक कैसे हो सकता है? ए बी सी डी सारे ऑप्शन बोल दो, ए बी सी डी, फिर मैम अपने आप चूज कर ले, है ना, क्वेश्चन भी मैम लाए, ऑप्शन भी लाए और आंसर भी मैम ही दे, है ना, आप ए बी सी डी करके सारे ऑप्शन दे दो। बिल्कुल सही बात है, इट इज नेवर डिफॉर्म, ये कभी भी डिफॉर्म नहीं होता, इसकी आप आकार कभी भी नहीं बदल सकते हैं। तनु हो गई नंबर वन पे, दलाल, समृद्धि, वीरू एंड आकाश। क्लियर है? ये भी एसएससी सीजीएल 2013 के क्वेश्चन है, आप देखो किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑन द स्क्रीन, आइडेंटिफाई द ओल्ड टर्म अमंग द फॉलोइंग ग्रुप, निम्नलिखित में से सबसे पुराने पद की पहचान करिए। एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। कोएक्सियल केबल होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ट्विस्टेड पेयर वायर होते हैं, या माइक्रोवेव होते हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा ग्रुप है जो कि सबसे ओल्ड टर्म है, सबसे पुराना टर्म इनमें से कौन से ग्रुप कौन सा है, ए बी या सी या डी, कोएक्सिबल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर्स है, ट्विस्टेड वायर है, या फिर माइक्रोवेव होता है। यस, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा आपका ओल्ड टर्म इनमें से नाम ग्रुप है। द टाइम इज ओवर नाउ, बिल्कुल सही बात है, द टाइम इज ओवर, बिल्कुल सही ऑप्शन लेके चलेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर, वेरी गुड, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर सबसे पुराना है और केवल तीन ही लीडर्स है, शिव भक्त, किटकैट एंड अंजलि। ओके, ना ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं इनका जो डायमीटर होता है ये थोड़ा सा थिक होता है देन अ ह्यूमन एयर, मनुष्य के बाल से थोड़ा सा इसका जो डायमीटर होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, ह्यूमन एयर से थोड़ा, हेयर से थोड़ा सा ये थिक होता है। दूसरी बात, ये क्या होता है, ये आपका मेडअप ऑफ किसका होता है, या तो सिलिका का बना होता है, या तो ये मेडअप ऑफ सिलिका होता है, या फिर आपका प्लास्टिक से बना होता है, या तो ये सिलिका का बना होता है या ये प्लास्टिक का बना होता है, है ना। और ये देखिए, ये ऑप्टिकल फाइबर का एग्जाम्पल भी है, इसका जो डायमीटर होता है लिटिल हल्का मतलब एक तरीके से बहुत ही पतला सा होता है, और ये आपकी दो एंड्स पे जैसे लाइट को एमिट कर रहा है। यस, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेन्स ऑफ रस्ट ऑन क्लोथ्स कैन बी रिमूव्ड बाय, अगर कभी भी कपड़ों पे जंग के दाग लग जाते हैं तो आप उसको कैसे हटा सकते हो, ये भी एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। H2O2 से, ऑक्सैलिक एसिड से, पेट्रोल से, या अल्कोहल से, है ना, ये मम्मी के मतलब का सवाल है कि अगर कपड़े पे अगर जंग के दाग लग जाते हैं तो वो दाग कैसे हटाए जाते हैं। यह जल्दी से बताइए कैसे हटाए जा सकते हैं, फटाफट बताइए, अगर कपड़ों पे जंग के दाग लग जाएंगे तो इनमें से कौन सा आप केमिकल यूज करके आप जंग के दाग को हटा सकते हो, जल्दी से बताइए फटाफट, टाइम ओवर हो चुका है। बिल्कुल, अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड, वेरी गुड परसेंटेज, वेरी अप्रिशिएबल, 85% बच्चे कह रहे हैं, 9 राकेश कुमार, वंशिका, रियांश, दीक्षा एंड वीरू, और ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स, ठीक है, ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स। अगर हम बात करेंगे ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एक तरीके से व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, ये व्हाइट रंग में एक क्रिस्टलाइन मटेरियल सब्सटेंस होता है, व्हाइट में एक क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल्स के रूप में एक
मटेरियल है और साथ ही साथ में इसका जो नेचर है वो ऑर्गेनिक नेचर होता है, इसका जो नेचर होता है वो ऑर्गेनिक नेचर होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है इसका ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला HO2CCO2H होता है, ये ऑक्सैलिक एसिड का आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर कभी भी कपड़ों पे दाग लग जाते हैं जंग के तो वो हमेशा ऑक्सैलिक एसिड को यूज करके आप हटा सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत होती है? एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। 18% होता है, 21% होता है, 25% होता है या 30.5% होता है अमोनियम सल्फेट? यस, जल्दी से बताइए अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है? 18%, 21%, 25% या 30.5%? ओके, सो द टाइम इज ओवर नाउ। अगर बात करेंगे बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 21%, जो कि 60% बच्चे कह रहे हैं। लीडर बोर्ड पे समृद्धि यादव जी, मिम्मी दलाल एंड अमन, और ये रहे बाकी सारे लीडर्स। ठीक है, ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स। दूसरी बात, अगर बात किया जाए अमोनियम सल्फेट की तो इसके बहुत सारे कमर्शियल यूजेस हैं, इसके व्यवसायिक प्रयोग बहुत सारे हैं, इसके बहुत सारे कमर्शियल यूजेस हैं, बहुत सारे व्यवसायिक इसके उपयोग होते हैं, इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, इसको उर्वरक के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है, फर्टिलाइजर्स के रूप में, मतलब उर्वरक, उर्वरक के रूप में भी इसको प्रयोग में लिया जाता है। ये देखिए, ये इसका उदाहरण भी है। तो अमोनियम सल्फेट को बहुत ज्यादा आप एक फर्टिलाइजर्स के रूप में भी लिया जाता है। 21% इसका आपका परसेंटेज रहता है नाइट्रोजन का अमोनियम सल्फेट में, और 24% कॉम्पोजिशन रहता है सल्फर का, 24% सल्फर का इसमें कॉम्पोजिशन रहता है। क्या मेरी बात यहां तक सबको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस, इज इट क्लियर? ओके, बिल्कुल सही बात है, यूज इन फर्टिलाइजर। ये देखो आपके लिए एग्जाम्पल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नोन एज, अगर कभी हम इथेनॉल में 5% पानी मिलाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ये एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है, उसको हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल कहेंगे, डाइल्यूट अल्कोहल कहेंगे, पावर अल्कोहल कहेंगे या रेक्टिफाइड स्पिरिट कहेंगे? जल्दी से बताइए उन्हें हम क्या कहेंगे, जिसमें आप एक तरीके से क्या मिला दोगे, इथेनॉल एसिड में अगर आप वाटर मिलाओगे तो आप उसको किस नाम से बुलाएंगे? इथेनॉल एसिड में अगर आप कभी भी वाटर मिलाएंगे तो आप उसको किस नाम से बुलाते हैं? क्विकली क्विकली टेल मी, फटाफट बताइए। यस, अगर बात करेंगे बिल्कुल सही बात है, इसको हम लोग रेक्टिफाइड अल्को स्पिरिट के नाम से जानेंगे। और रेक्टिफाइड स्पिरिट की बात अगर बात की जाए तो रेक्टिफाइड स्पिरिट, अगर रेक्टिफाइड, अच्छा इथेनॉल को जब कभी भी कंटेन जो वाटर में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेक्टिफाइड स्पिरिट के नाम से जानेंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल भी सही आंसर है, बिल्कुल ही सही आंसर है, 25% बच्चे कह रहे हैं। और मिस्टर बिश, सोनम, रीना रानी, रश्मि एंड अमन, और ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स। देखो, इसको एक तरीके से रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C2H6O, C2H6O रेक्टिफाइड फॉर्मूला, रेक्टिफाइड स्पिरिट का फॉर्मूला होता है, और साथ ही साथ में ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में भी जाना जाता है। इसको एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में भी माना जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में भी इसको लिया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है? एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोन, प्रोजेस्टेरोन या फिर टेस्टोस्टेरोन, इनमें से कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए? जल्दी से बताइए, एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है।
एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है, सही ऑप्शन बताइए। द हार्मोन यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव। ओके, अगर बात करेंगे, टाइम ओवर हो चुका है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो हार्मोन यूज होता है ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव में, उसको हमेशा हम लोग प्रोजेस्टेरॉन के नाम से जानते हैं, जो कि 51% बच्चे बात कह रहे हैं। डॉली, अक्षत, जाहिद, मिस्टर बिष्ट एंड प्रीति, और ये रहे आपके सारे लीडर्स। ठीक है, ये रहे आपके सारे लीडर्स। पहले मुझे ये बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई भी ऐसा पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो? यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? किसी को कोई डाउट क्वेरी तो नहीं है? यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपैंड द टर्म आईपीसीसी। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2013 का है। इंटरनेशनल पोल्यूशन कंट्रोल काउंसिल, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल, इंटरिम पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, या फिर इंटरगवर्नमेंटल प्लैनेट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसीसी? आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यस, आईपीसीसी का फुल फॉर्म, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन, बी भी नहीं है। चलो, मैंने आपको दो में हेल्प कर दी, ए और बी नहीं है। अब बताओ, क्योंकि एक बच्चे ए और बी बोल देते हैं तो आप सब लोग बोलने लगा ए और बी नहीं है, चेंज द ऑप्शन। अब सी और डी पे आ गए, है ना, क्योंकि कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। अब ए बी सी डी में से अगर मैम ने कह दिया ए और बी नहीं है, तो अब आप सी और डी पे आ गए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। अगर हम बात करेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल प्लानिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब बताने के बाद भी, हिंट देने के बाद भी, दो ऑप्शन में भी आपने दोनों ही ऑप्शन को सबसे कम माइनोर, मतलब सबसे कम वोट्स दिए। 16% बच्चे कह रहे हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। समृद्धि सेकंड पे, हाउ टू गुरुजी, अच्छा जी, विश्वक्सेन, डॉली एंड आकाश, और ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स। जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल होता है क्लाइमेट चेंज का, ये आपका एक सोशियो टेक्निकल, ये आपका सोशियो टेक्निकल ग्रुप होता है, वो भी किस पे? क्लाइमेट चेंज के बेसिस पे। क्लाइमेट चेंज के बेसिस पे इसको देखते हैं, और साथ ही साथ में जो भी फ्यूचर में भविष्य में जो भी क्लाइमेट चेंज होता है, जो भी भविष्य में क्लाइमेट चेंज होता है, उसके रिगार्डिंग ये लोग वर्क करते हैं। अगर इसकी मीटिंग आपको दिखाऊं तो इसकी मीटिंग कुछ ऐसी होती है। तो जो आपका आईपीसीसी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी मीटिंग इस तरीके से होती है, जिसमें ये फ्यूचर डिपेक्ट करते हैं कि आगे का जो क्लाइमेट चेंज होगा वो किस तरीके से होगा, या क्या क्या हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया जा सकता है। क्या मेरी बात, ये बात समझ में आई? यस, इज इट क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेप्टेबल नॉइज पोल्यूशन लेवल इन इंडिया रेंज बिटवीन। भारत में कभी भी आप ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर है वो किसके बीच में होता है? 10 से 15 डेसिबल के बीच में, ठीक है, या फिर 16 से 35 डेसिबल के बीच में, या फिर आपका 40 से 45 डेसिबल के बीच में, या फिर आपका 70 से 100 डेसिबल के बीच में। ठीक है, डेसिबल है ये, ठीक है, डेसिबल, कितने डेसिबल के बीच में होता है, फटाफट बताइएगा। कभी भी अगर आप नॉइज पोल्यूशन के बारे में बात करते हो तो उसको कितना लेवल माना गया है, कितना लेवल माना गया है आपका, जल्दी से बताइए। टाइम ओवर हो चुका है, डी ऑप्शन नहीं है, अब बताओ, डी और बी भी नहीं है, अब बताओ, ए और सी बचा, अब ए और सी में से आप चूज कर लो, है ना। ओके, अगर बात करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, दैट इज 40 to 45 डेसिबल्स, जो कि 49% बच्चे कह रहे हैं। गौरव, कुशल, सिया, विशाल, मल्लिका, ये रहे आपके टॉप 5 लीडर्स, और ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स। ठीक है, तो 40 to 45 डेसिबल्स माना गया है। सेकेंड पॉइंट आपका जो नॉइज पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन आपकी तेज आवाज से होता है, और एक और होता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन आवाज का होता है, एयर पोल्यूशन वायु से नॉइज पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन व्हीकल से होता है, हीट पावर प्लांट्स, इंडस्ट्री से, फर्टिलाइजर प्लांट, इन सब से होता है।
क्लियर है? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑन द स्क्रीन. Endosulfan spray on cashew crops resulted in the pollution to the tune of tragedy in. काजू की फसल पर इंडोसल्फान स्प्रे के परिणाम स्वरूप प्रदूषण की त्रासदी कहां हुई थी? मतलब ये जो क्रॉप है कैश्यू, काजू की जो फसल होती है, इस काजू की फसल पे एंडोसल्फान स्प्रे किया था, उससे एक तरीके से पॉल्यूशन हुआ था, तो वो पॉल्यूशन कहां पे हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, केरला में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था या कर्नाटक में हुआ था? यस, काजू, काजू का पेड़ ऐसे होता है, काजू की फसल ऐसे होती है, उसके ऊपर एक रेड कलर का फ्रूट होता है, उस फ्रूट के नीचे होता है आपका काजू, दैट इज कैश्यू. यस, जल्दी से बताइए. गोवा, गोवा तो ऑप्शन ही नहीं है आपके लिए, कि ऑप्शन दे दे स्वाद अनुसार, है ना? यस, ब्रह्मास बैच में क्लास ओवर हो चुकी है मेरी. ओके, सो द टर्न इज ओवर नाउ. बिल्कुल सही बात है, दैट इज बी ऑप्शन, केरला. वेरी गुड, 48% बच्चे कह रहे हैं. लीडर बोर्ड पे रूबी, जुबली, निकिता, दीक्षा एंड सपना, और ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स. ठीक है, अच्छा ये बताओ, ट्रॉपिकल ये कैश्यू जो होता है, काजू होता है, ये सबसे ज्यादा कहां पे होता है? जो काजू होता है ये एक तरीके से ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक एग्जाम्पल है, एक उसका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का ये उदाहरण है. और ये सबसे ज्यादा जो प्लांट है नेटिव है, सबसे ज्यादा जो नेटिव है ये है आपका साउथ अमेरिका, है ना? साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा होता है, साउथ अमेरिका में. और जो काजू होता है इसके ऊपर एक रेड कलर का फ्रूट होता है, उस रेड कलर के फ्रूट के नीचे देखो ऐसे काजू निकलता है. क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो? क्लियर है? बढ़िया है. ओके, नेक्स्ट. हाइपोथेंसीमिया अकर्स ड्यू टू द लॉस ऑफ एक्सेसिव हीट फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू सडन लो डाउन इन टेम्परेचर. मतलब किन में ऐसी दिक्कत हो जाती है कि जब कभी भी बॉडी की हीट अचानक से कम हो जाती है, जिसको हम लोग हाइपोथेंसीमिया कहते हैं, वो किनके लिए, किन में होती है? स्नेक्स में होती है, सांप में होती है, वो फ्रॉग्स में होती है, मेढक में होती है, ह्यूमन बींग्स मनुष्य में होती है, या छिपकली लिजर्ड में होती है? यस, जल्दी से बताइए किन में होती है आपकी हाइपोथेंसीमिया जैसी आपका एक सिचुएशन. हाइपोथेंसीमिया क्या होता है? जब बॉडी का टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप हो जाता है, सडन लो टेम्परेचर हो जाता है, तो ये आपका किस में देखा जाता है? ओके, द टाइम इज ओवर नाउ. बिल्कुल सही ऑप्शन है, ह्यूमन बींग्स में देखा जाता है, मनुष्य में देखा जाता है. वेरी गुड परसेंटेज, 82% बच्चे कह रहे हैं. लीडर बोर्ड पर निकिता, सिया, काजल, डॉली एंड अविनाश सिंह, और ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स. ठीक है, ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स. बिल्कुल सही ऑप्शन है, दैट इज ह्यूमन बींग्स. और हाइपोथेंसीमिया एक ऐसी सिचुएशन है जब कभी भी बॉडी की बहुत ज्यादा एक्सेस हीट रिलीज हो जाती है और टेम्परेचर बॉडी का काफी आपका लो हो जाएगा. हाइपोथेंसीमिया देखो कभी भी एक्चुअली में तभी होता है जब कभी भी कोल्ड टेम्परेचर होता है ना, और या फिर अब जब इंसान भीग जाता है बारिश की वजह से, या पसीने की वजह से, या बारिश की वजह से भीग जाता है, तो हाइपोथर्मिया वाली सिचुएशन आपकी आ जाती है. यस, इसमें सिम्टम्स क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा कपकपी हो जाती है, शिवरिंग हो जाती है, या फिर बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेट हो जाती है कि क्या करें, समझ नहीं आता. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हायर टेम्परेचर बट नॉट एट लोअर टेम्परेचर. ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो कि उच्च तापमान पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी का संचालन करता है पर कम तापमान पर नहीं करता? यह भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2013 का है. सुपर कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर, उन्हें हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए फटाफट. यस, इन्हें हम क्या कहते हैं? जब कभी भी ऐसा मटीरियल जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है हायर टेम्परेचर पे पर लोअर टेम्परेचर पे नहीं करता. और जल्दी से उसका आप एग्जाम्पल भी दोगे, उदाहरण भी दोगे कि उसका उदाहरण क्या है. टाइम ओवर हो गया है आपके लिए, यहां पे एक हिंट पे आपके लिए एक मेटल भी लगा हुआ था. ठीक है, हिंट के लिए आपके लिए एक मेटल भी लगा है. अच्छा, अगर बात करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका सी, सेमीकंडक्टर, जो कि 35% बच्चे कह रहे हैं. लीडर बोर्ड पे नासिरुल, मुबाशिरा, फहद, मिस्टर बिश्त एंड मलिका,
और ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर अगर बात करें इसका एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा तो वो हो गया आपका कॉपर हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, है ना। कॉपर और एल्यूमिनियम इसके उदाहरण होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई भी ऐसा पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो? यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट मास? अगर बात किया जाए तो इनमें से किन में किनका सबसे ज्यादा, सबसे अधिक वजन होगा? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या हाइड्रोजन न्यूक्लियस का? इनमें से किसका सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट मास होगा? फटाफट बताइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर हाइड्रोजन न्यूक्लियस का ग्रेटेस्ट मास किसका होगा? SSC CGL 2013 का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन SSC CGL 2013 के हैं। देखो पहले हम लोग ने SSC CGL 2010 के क्वेश्चन उठाए, फिर 11 के किए, फिर 12 के किए, फिर 13 के कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस हम लोग करते चल रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। 22% बच्चे कह रहे हैं न्यूट्रॉन। समृद्धि, मिस्टर बिष्ट, विशाल, अंजलि एंड शिव भक्त, और ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स। बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन होता है इसका जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल इन नेचर होता है, और साथ ही साथ में इसका जो वेट होता है ये लाइट, स्लाइटली लाइटर दैन प्रोटॉन होता है। तो जो इसका प्रोटॉन से इसका वजन, इसका ग्रेटर होता है, प्रोटॉन से इसका वजन होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, प्रोटॉन से इसका स्लाइटली ग्रेटर है, प्रोटॉन से हल्का इसका अधिक वजन होता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आई? तो प्रोटॉन से इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, पर इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टेलीविजन चैनल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किसी भी एक टेलीविजन चैनल की क्या विशेषता होती है? SSC CGL 2013 का क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड करता है, या साइज ऑफ द पिक्चर ट्यूब, चित्र ट्यूब के आकार पर डिपेंड करता है? किसी भी टेलीविजन चैनल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, जल्दी से बताइए। फ्रीक्वेंसी पर, वेलोसिटी पर, फिजिकल डायमेंशन पे, या फिर साइज ऑफ पिक्चर ट्यूब, जल्दी से बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। जो कभी भी आपका टीवी होगा, टेलीविजन, वो इनमें से किन चीज पर डिपेंड करता है? ओके, सो द टाइम इज ओवर नाउ। बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। 67% बच्चे कह रहे हैं वेरी गुड। अगर लीडर बोर्ड पे चले तो SK सलीम, निशा, किटकैट, डॉली एंड अंजलि, और ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि नंबर ऑफ इवेंट्स पर यूनिट टाइम, मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम पे कितनी बार उसने वो सेम इवेंट किया है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे आप ये मानिए, जैसे फ्रीक्वेंसी वेवलेट, कोई भी वेव्स होती हैं, आप उनकी भी फ्रीक्वेंसीज होती है ना, कि उन्होंने एक यूनिट टाइम में कितनी बार उन्होंने मूवमेंट किया है। यस और नो, इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? चलिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर CC, दिस इज स्ट्रिक्टली वैलिड एट, पानी की जो घनत्वता होती है वो 1 ग्राम पर CC होती है, ये पूरी तरह से किन पर मान्य है? 0 डिग्री पे मान्य है, 4 डिग्री पे, 25 डिग्री पे या 100 डिग्री पे? कितने डिग्री पे ये मान्य होता है? डेंसिटी, जो घनत्वता होती है जल की 1 ग्राम की, वो कितने डिग्री होती है? फटाफट बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। 0 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, 25 डिग्री पे या 100 डिग्री पे? कितने टेम्परेचर पे होती है? ओके, बात किया जाए, बिल्कुल सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी,
4 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। वेरी गुड। परसेंटेज अगर बात करें 79% लीडर बोर्ड पे नासिरुल, प्रीति, पिक्कू, रश्मि एंड निशा, और ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स, ठीक है, ये रहे आपके बाकी सारे लीडर्स। बहुत बढ़िया। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी होती है वाटर की, वो आपकी 1 ग्राम पर सीसी होती है। अच्छा, डेंसिटी आप वैसे डिसाइड करोगे, वो आपकी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। आप हमेशा मास पर यूनिट वॉल्यूम के बेसिस पे आप इसको डिसाइड करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम के स्तर पर इसको मापा जाता है। ये आपके लिए पूरी एक टेबल भी मैंने अटैच की है कि कितने टेम्परेचर पे कितने वाटर की डेंसिटी रहेगी। अगर कभी भी क्वेश्चन, अगर वो कोई भी आपको वाटर की डेंसिटी देंगे तो आपको कहीं भी नहीं ढूंढना है, आपके पास ये वाटर डेंसिटी टेबल है, उस वाटर डेंसिटी टेबल से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब आप लोगों को तो पता ही है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 99.98 डिग्री सेल्सियस होगा, और आपका जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O में मतलब दो एटम्स है हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का, है ना। तो H2O जो होता है इसमें दो एटम होते हैं किसके, हाइड्रोजन के, और एक होता है आपका ऑक्सीजन का। इज इट क्लियर? यहां तक सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सबको सब कुछ क्लियर है? यस और नो? गिव मी अ वेरी गुड स्माइल एंड थम्स अप एवरीबॉडी। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि आपके जो भी गोल्स होते हैं, जो भी आपके टारगेट है लाइफ में, उस लाइफ में टारगेट आप सेट जरूर कर रहे हो, लेकिन उस टारगेट को अचीव कैसे करना है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उस टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो इसीलिए जो लाइफ में आप टारगेट सेट करते हो, तो लाइफ में टारगेट सेट करने के साथ साथ उसकी गतिविधियां, उनकी एक्टिविटीज को भी आप सेट करिए, जिससे कि आप सही दिशा में मेहनत करके अपने सारे सपनों को साकार कर सके, ठीक। और फिर से एक बार रिमाइंड कर रही हूं कि आज रात SSC वाला टेलीग्राम चैनल पे रात को 9 बजे लाइव होगी सेशन, जिसमें कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे सॉल्व करूंगी मैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए एवरीबॉडी थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। स्टे वेरी हैप्पी एंड वेरी पॉजिटिव। बाय।